नन्हा मुन्ना ओ नन्हा मुन्ना मेरा बेटा सबसे बढ़िया नन्हा मुन्ना ओ मेरा बेटा कुछ करेगा ऐसा कि दुनिया चाहेगी करना वैसा ओ नन्हा मुन्ना। ये है 11 साल का लड़का। नाम तो सुना ही होगा, हेलमुट, हेलमुट है मेरा नाम। ये बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा है, तभी इसके माता पिता की थोड़ी थोड़ी बहस करने की आवाज ना सुनाई दे रही है। नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। मुझे तो करना ही होगा, तुम भी मेरा साथ दोगी कि नहीं दोगी बोलो। हेलमुट के पिता जाने माने एक चिकित्सक यानी डॉक्टर है, वे बहुत ही भयानक बातें कर रहे हैं और हेलमुट छिप कर ना सब सुन रहा है। तू मेरी पत्नी, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मुझे अपने पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या फिर मुझे अकेले ही आत्महत्या कर लेना चाहिए, मुझे बताओ। नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। उन्हें अपना फ्यूचर आने भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। अब इंग्लैंड फाइनेंस और रशिया यानी एलायंस भी हमारे साथ वैसे ही करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और ज्यूइश के साथ किया है। अगले दिन हेलमुट के पिता उसको लेकर गार्डन यानी बगीचा में घूमने गए। यह आखिरी मौका है जब हेलमुट अपने पिता के साथ बगीचा में घूमने गया है। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताए। नन्हा मुन्ना ओ नन्हा मुन्ना मेरा बेटा सबसे बढ़िया नन्हा मुन्ना ओ मेरा बेटा कुछ करेगा ऐसा कि दुनिया चाहेगी करना वैसा ओ नन्हा मुन्ना। ओ पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं और कल आत्महत्या करने की बात कर रहे थे। पापा कभी भी आप मुझको छोड़कर नहीं जाइएगा। ओ, ओ, ओ बेटा, अच्छा हाँ बेटा ठीक है जरूर। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में थोड़ी से भी खाना नहीं खाया। बेटा तुम घर में कुछ नहीं खाते हो, कुछ नहीं खा रहे हो, क्या बात है, खा लो, तुम्हारे लिए बनाई हूँ मैं। नन्हा मुन्ना मेरा बेटा सबसे बढ़िया नन्हा मुन्ना। मुझे हमेशा यही डर सताता है कि कहीं मेरी माँ मुझे जहर देकर ना मार दे। पापा तो चले गए, मैं भी मर जाऊंगा तो मेरी माँ भी मर जाएगी ना। हेलमुट को शायद ये समझ में नहीं आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाजी थे और वे अल्फ्रेड हिटलर के बहुत बड़े समर्थक थे। हिटलर जर्मनी को पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनाना चाहता है, वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता है। आइए देखते हैं कि नाजिस्म का मतलब क्या होता है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की, वे किस चीज से डरे हुए थे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। हम हारने वाले हैं और मुझे अंदाजा हो चुका है कि अब मेरी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, मेरे साथ हारने के बाद क्या किया जाएगा। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्लोबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ ना अप्रैल माह में हत्या कर ली। हिटलर खत्म। लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट में समरी है, पूरा कहानी को हम लोग देखेंगे आगे। मई 1945 में जर्मनी ने एलायंस को सरेंडर कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरम्बर्ग में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई। इस ट्रिब्यूनल में युद्ध में किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने आदमियों को मारना शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास जाति के लोगों को मारा जाने लगा। इस युद्ध में लगभग 60 लाख जूस, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। इतना ही नहीं, जो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से लंगड़े लूले थे उनको मार डाला गया, वे लगभग 70,000 लोग थे। लोगों को मारने के लिए गैस चैम्बर यानी ऑसिविस्ट जैसे कदखाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत की घाट चलाया दिया जाता था। न्यूरेम्बर्ग अदालत में यह फैसला लिया है कि 11 मेन नाजी को मौत की सजा सुनाई जाए और बाकी आरोपियों को उम्र की कैद दिया जाए। सजा तो मिली, लेकिन उनकी सजा बहुत कम है। सच बात तो यह है कि हारी हुई जर्मनी को एलायंस ज्यादा पनिशमेंट नहीं देना चाहती है। जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार को बहुत ही हार्ड पनिशमेंट दिया गया था, उस तरह ये नहीं देना चाहती है।
20th सेंचुरी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियन सम्राट के साथ मिलकर एलियंस के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो स्टार्ट हो गई, तो इस वार में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां कूद पड़ी, यही सोचकर कि उन्हें जल्दी से जल्दी जीत मिल जाएगी। हमने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा और पूरे यूरोप को इकोनॉमिक क्राइसिस से झेलना पड़ेगा। हम फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके हम जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की, लेकिन ईयर 1917 में जब अमेरिका एलायंस के साथ शामिल हो गया तो इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। हम अमेरिका के लोग हैं, हमसे जीतेगा हिटलर। आखिरकार ईयर 1918 में एलायंस ने सेंट्रल पावर को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हम एलायंस को हरा पाना इतना आसान है क्या? यदि हम अमेरिका नहीं आते तो जीत पाते क्या तुम? अच्छा छोड़ो ना दोस्त, जीत गए ना, जश्न बनाओ। जर्मनी के हार के बाद वहाँ के सम्राट ने गद्दी छोड़ दिया, इसलिए वाइमर ने एक नेशनल असेंबली को बैठाया और जर्मनी में डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्या सोच रहे हैं कि जर्मनी के लोग बहुत खुश होंगे ना? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के बाद जर्मनी यानी आप लोग को थोड़ा खुश हो गए होंगे आप लोग। अरे नहीं भाई, हम एलायंस से हारे हुए हैं, तो जो लोग हम जर्मनी से जीत गए हैं ना वो हम पर बहुत कठोर शर्तें लागू कर दिए, मतलब टर्म कंडीशन बहुत ज्यादा थोप दिए हैं। एलायंस के साथ वर्साइल में हुई शांति समझौता हम जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस शांति समझौता में जर्मनी ने समुद्री कॉलोनीज, 10% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरी, 75% आयरन और 26% कोल फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा हम लोगों को। ये सब ये तो बहुत बुरा हुआ यार। जर्मनी के रही सही ताकत खत्म करने के लिए एलायंस ने हमारी आर्मी को भी ले ली और वार के कारण जितना भी डैमेज यानी नुकसान हुआ वो सब हम जर्मनी के ऊपर फाइन मार दिया। यह लगभग 6 बिलियन पाउंड है। अब कर भी क्या सकते हैं, तबाही या नुकसान हुआ है तो भरना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जर्मनी हार गई है, जीतती तो नहीं भरना पड़ता फाइन। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार ने पूरे कॉन्टिनेंट को ही मानसिक और आर्थिक दोनों स्तरों से तोड़ कर रख दिया है, मतलब घुमा फिरा के सबको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 10 पाउंड दे दो भाई, 4 दिनों से मैं कुछ नहीं खाया हूँ, मर जाऊंगा। अरे ये तो सेठ धनराज है, एक कल तक सबको कर्ज देता था और आज भीख मांग रहा है। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला कॉन्टिनेंट कहलाता था, लेकिन वार खत्म होते होते यह कर्ज लेने वाला कॉन्टिनेंट बन गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने यूरोप समाज और पॉलिटिक्स पर अपनी बहुत भयानक छाप छोड़ी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक जोर जोर से बोलने लगे, मैं राजनेता हूँ, मेरे हिसाब से पुरुषों यानी मेल को एग्रेसिव, ताकतवर और मर्दाना होना चाहिए। जिस समय वाइमर रिपब्लिक की स्थापना हुई उसी समय रशिया में बुल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसी को देखते हुए जर्मनी में भी स्पोर्टकिस्ट लीग भी क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियत बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट की नारे गूंज रही है, सभी लोगों को सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट चाहिए। हमें सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट चाहिए, तो चाहिए सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। इसलिए सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स और कैथोलिक्स ने वाइमर में इकट्ठा होकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की और आखिरकार वाइमर रिपब्लिक ने पूरे सैनिकों के मदद से इस विद्रोह को कुचल कर रख दिया, मतलब खत्म कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पोर्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। इसके बाद यह कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट एक दूसरे के बहुत बड़े वाले दुश्मन बन गए। जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार कर्ज लेकर लड़ा था और वार खत्म होने के बाद उसे गोल्ड देना पड़ रहा है। इसी वजह से जर्मनी में गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया, जैसा कि होता है, इसलिए फ्रांस ने जर्मनी के मेन इंडस्ट्रियल एरिया पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी का विशाल कोयला भंडार वाला इलाका है। तो इसके बाद क्या हुआ भैया? इसका बाद वही हुआ जिसका जवाब आप लोगों को चाहिए। आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा। क्या भाई, कौन क्वेश्चन?
यही कि कोई भी देश बहुत सारा पैसा छापकर सभी लोगों में क्यों नहीं बराबर बांट देती है, जिससे गरीबी खत्म होकर सभी आदमी माला माल हो जाए। हाँ भाई, मेरा मन में भी एक क्वेश्चन आता है, प्लीज बताओ ना। बहुत बढ़िया, तो जर्मनी की सरकार ने भी बहुत सारा पैसा छापना शुरू कर दिया, बहुत सारा मतलब बहुत सारा। जर्मनी के लोगों के पास बहुत सारा पैसा आने लगा, सभी लोग अमीर होते जा रहे थे धीरे धीरे। तो अच्छा बात है ना भाई। नहीं यार, जर्मनी का पैसा का वैल्यू दिन पर दिन गिरने लगा, देखो ये लोगों को। ये ब्रेड कितने का है भाई, बहुत दिनों से खाया नहीं हूँ मैं, आज अचानक बहुत सारा पैसा मिला है सरकार की तरफ से। ये ब्रेड 500 मार का है, मेरा पास ज्यादा ब्रेड नहीं है, जिसको खरीदना है बोलो। मैं 1000 मार्क्स दूंगा, हमको दे देना प्लीज। मैं 10000 मार्क दूंगा भाई, मुझे दे दो प्लीज। तो देख रहे हो ना, लोगों के पास ज्यादा पैसा होने से सभी चीजों का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सभी लोग बाजार में सामान खरीदने के लिए निकल गए हैं। भाई ये पेन चाहिए तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो सब ज्यादा ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है। ये तो बहुत खराब बात हो गई भाई। हाँ, जर्मनी में अप्रैल 1923 में $1 का कीमत 24,000 मार्क्स है, मतलब कि $1 जो सामान मिल रहा है ना अमेरिका में, वही सामान यहाँ पे 24,000 मार्क्स में मिलेगा। बाप रे, इतना महंगा हो गया। हाँ, जुलाई में $1 का कीमत 3,53,000 के बराबर हो गया, और अगस्त में $1 46,21,000 मार्क्स हो गया, और दिसंबर में $1 का वैल्यू 9,88,60,000 के मार्क्स के बराबर हो गया भाई। अब लोगों के एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी ना बोरा भरकर, कार भरकर, ट्रक भरकर, बैलगाड़ी भरकर ले जाना पड़ता था। क्या पैसा मार्क्स को एक ब्रेड खरीद सके? इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स के टर्म में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर अमेरिका ने डॉस प्लान बनाई जर्मनी की जान बचाने के लिए। इतना सारा पैसा कैसे लेके जाएगा पॉकेट में, इसलिए तो बैलगाड़ी ला रहा था। ईयर 1924 से ईयर 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, मतलब जर्मनी थोड़ा शांत रहा, लेकिन जर्मनी की इंडस्ट्री जो है ना अमेरिका के दिए हुए कर्जों और दे रहे कर्जों से चल रहा है। लेकिन क्या भाई? लेकिन ईयर 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट जो होता है ना, वो पूरी तरह से क्रैश हो गया, मतलब शेयर मार्केट पूरा गिर गया नीचे तक में, जिसके कारण जर्मनी को मिल रही मदद भी बंद हो गया, क्योंकि अमेरिका का हालत खुद खराब हो गया तो जर्मनी को कहां से मदद करेगा, कर्ज कहां से देगा। ओह नो। ईयर 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका के नेशनल इनकम आधी हो गई, बहुत फैक्ट्रियां बंद हो गई, किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अमेरिका इकोनॉमी में आई हुई इस मंदी का असर पूरी दुनिया को महसूस हो रही थी। दुनिया की छोड़िए भैया, जर्मनी का क्या हुआ, ये तो अमेरिका से मदद लेता था ना, मतलब कर्ज लेता था ना। इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी इकोनॉमी पर पड़ा। 1932 तक जर्मनी में इंडस्ट्री सिर्फ 40% बची हुई थी, बाकी सब बंद हो गई थी। मजदूर या तो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे या तो उनकी वेजेस बहुत कम होते जा रही थी। ए सजनवा, इधर आ भाई। इसको काहे बुलाए हो यार? आप हर बुढ़िया में इसको बुलाते हैं ना भाई, इसलिए। अच्छा ठीक है, जोर जोर से बोलकर स्कीम सबको बता मत दो। आजकल मैं अनएम्प्लॉयड हूँ भाई, खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, लाले पड़े हुए हैं। पहले पूछने तो दो, तब ना कुछ बोलोगे। हमको पता है भाई आप क्या पूछेंगे, हर वीडियो में तो इसी पूछते हैं। अरे एक मिनट, ये क्या है भाई, ये क्या लिखा हुआ है? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, और ये क्या लिखा हुआ है? मैडम आप इधर आइए। ये क्या है? मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने के लिए भी मुझे पास पैसा नहीं है, बच्चे भूखे हैं घर पर। हे भगवान, हालत इतना खराब हो गया है। इतना ही नहीं, लोगों के पास सोने के लिए जगह भी नहीं है, लोग एक रस्सी पर लटक कर सोते हैं, और बहुत सारे लोग तो चोर डाकू और लुटेरा बन गए हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। ओ माय गॉड, हाहाकार मच गया, भागो यहाँ से भागो। ए भाई, ये हिटलर, इससे मत मिलो, ये सबको मार देता है। रुको जरा, सब्र करो, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा, तब मजा आएगा। अच्छा बताओ भाई। ईयर 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था यानी यंग एज बहुत ही ज्यादा गरीबी में गुजरी। कोई काम काज ना होने के कारण ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत में इन्होंने अपना नाम आर्मी में भर्ती के लिए लिखवा दिया।
मतलब कि जन्म में तो भाई ठीक ठाक बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही आर्मी के लिए अपना नाम दिए थे। क्या ये आर्मी के लिए काम किया है? हाँ, इनको आर्मी में मैसेंजर यानी संदेश वाहक का काम मिला, लेकिन जर्मनी की पराजय ने तो उसे हिला करके रख दिया, और वर्सायल की शांति संधि ने हिटलर को तो मानो आग बबूला ही कर दिया था। 1990 में मैंने जर्मन वर्कर पार्टी में ज्वाइन हो गया और धीरे धीरे मैं इस पार्टी को मैंने पूरा कंट्रोल में ले लिया, और फिर इस जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदलकर मैंने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया, और फिर बाद में इसको ना नाजी पार्टी का नाम दिया, याद रखना नाजी पार्टी। ईयर 1923 में हिटलर ने बेब्राय पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करना और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली है। मैं हिटलर जर्मनी के लोगों को पीछे नहीं रहने दूंगा, इसलिए मैंने प्लान बनाया है। आपको यह सब षड्यंत्र रचने और प्लान बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। उस पर देशद्रोही का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा यानी छोड़ दिया गया। मुझे पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है डॉन। मैं तेरे को पकड़ करके जेल में डाला और फिर छोड़ दिया, लोल पकड़ नहीं सकता। नाजी पार्टी पॉलिटिक्स में ईयर 1930 में जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई थी, मतलब कि अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन ईयर 1932 के आते आते देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी ये नाजी पार्टी, क्योंकि हिटलर एक जबरदस्त स्पीकर है भाई, बहुत जबरदस्त स्पीकर है। इसका जोश और इसका शब्द लोगों को हिला करके रख देता है। हाँ मेरे देश की जनता, मैं जर्मनी को सबसे पावरफुल कंट्री बनाना चाहता हूँ। वर्सायल में जो हमारी बेइज्जती हुई थी ना, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ और उस इज्जत को वापस लेना चाहता हूँ। हिटलर एक नया तरीका का पॉलिटिक्स करना चाहता है। हिटलर का सपोर्ट करने के लिए लोग बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे। स्वास्तिक जो कि हिंदू का चिन्ह है, उसको लाल झंडे पर छाप कर साथ ले जाने लगे। क्या कारण थे मुझे पता नहीं। मैं प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, मैं चाहता हूँ कि हिटलर को चांसलर का पोजीशन मिले, यह सबसे बड़ा और शक्तिशाली पोजीशन है। अब तक नाजी पार्टी कंजर्वेटिव्स को भी अपने पार्टी में जोड़ चुकी है। पावर में आने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेटिक रूल को डिसमिस करना शुरू कर दिया। हमेशा तो यही होता है, पावर मिलने के बाद कुछ भी करने लगते हैं लोग। फरवरी 1933 में जर्मनी पार्लियामेंट बिल्डिंग में रहस्यमय तरीका से आग लग गया। यह हिटलर के लिए फायदा का सौदा था। 28 फरवरी 1933 को मैंने इमरजेंसी लागू कर दिया और सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, इन सबको सस्पेंड कर दिया। हिटलर ने अपने दुश्मन कम्युनिस्ट को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंप में बंद कर दिया, और आखिरकार 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार एक्ट, बुलेट इनेबलिंग एक्ट को हटा दिया। मैं इसलिए ऐसा किया हूँ क्योंकि जर्मनी में मैं तानाशाही ला सकूं और सिर्फ मेरा पास ही पावर आ सके। नाजी पार्टी और उसके जुड़े लोगों के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टी और ट्रेड यूनियन पर बैंड लगा दिया गया। पूरा स्टेट को मीडिया, आर्मी, जुडिशरी कंट्रोल करने लगी। पूरे समाज में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए गए कि ये फोर्सेस पूरे सोसाइटी को नाजी के हिसाब से कंट्रोल करे। इसके अलावा पुलिस वगैरह को भी बनाया गया, जिसको बहुत ज्यादा पावर दिया गया। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। एक तरह से देखो तो मोनार्की यानी राजा वाला सिस्टम हो गया है। हिटलर ने इकोनॉमी को रिकवरी यानी ठीक करने की जिम्मेदारी इकोनॉमिस्ट हालमार साख्त को दी। मैंने सबसे पहले सरकारी पैसों से चलाए जाने वाले रोजगार कार्यक्रम के जरिए मैंने 100% पॉपुलेशन 100% एम्प्लॉयमेंट देने का एम बनाया। 1936 में मैंने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया और वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर का नारा लगाया। इस नारे की आड़ में मैंने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। ऑस्ट्रिया भी मेरी है।
इस दौरान इंग्लैंड का भी खामोशी से सपोर्ट मिल रहा है जर्मनी को, लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। हिटलर जी, मैं इकोनॉमिस्ट हालमार साग था आपको सलाह दे रहा हूँ कि आर्मी और वेपन सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च मत कीजिए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा तेज समझ रहे हो ना, तो तुमको ना अपने पोस्ट से ना हटाता हूँ मैं। हिटलर ने इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए वार यानी युद्ध का ऑप्शन चुना, इसीलिए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। तो फिर क्या हुआ भाई? पोलैंड पर हमला करने की वजह से फ्रांस और इंग्लैंड का भी जर्मनी के साथ लड़ाई हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन किया। इस पैक्ट की वजह से हिटलर का इंटरनेशनल पावर भी बढ़ गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का सपोर्ट करने वाली कठपुतली यानी सरकार के इशारे पर चलने वाली सरकार बैठाया हूँ मैं। ईयर 1914 के एंड तक हिटलर सबसे ज्यादा ताकतवर है। आई एम सो पावरफुल। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला किया। यह हिटलर का सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्यों भाई? सोवियत रेड आर्मी ने जर्मन आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, मतलब हरा दिया। अमेरिका इस वार में फंसने से लगातार बचते रहा, वो थोड़ा कटली मारते रहा। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार से हुई इकोनॉमिक क्राइसिस को दोबारा नहीं झेलना चाहता है ना, लेकिन यह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता है, कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। ये लास्ट में जापान अपना पावर बढ़ा रहा है। हमने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया है और पैसिफिक ओशियन में अमेरिकन और सैनिकों पर हमला करने का प्लान बना लिया है। जब जापान ने हिटलर का सपोर्ट किया और पर्ल हार्बर पर अमेरिका ठिकाने को बमबारी की निशाना बनाया, तो अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वार में ना कूद गया। अब होगा धमाका। यह वर्ल्ड वार 2 मई 1945 में हिटलर की पराजय मतलब हार और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में एटम बम गिराने के साथ खत्म हो गया, क्योंकि अब बचा ही नहीं जापान, वर्ल्ड वार क्या होगा, सब डर गए। ये है सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानी। अब वापस आते हैं हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर। यह वार के टाइम नाजी जुल्मों की कहानी है। नाजी ग्रुप्स और हिटलर की सोच एक जैसी है, इसी वजह से वे सोचते हैं कि सभी लोग बराबर नहीं हैं। हम बाकी लोगों से बेहतर है, हमारी ब्लू आईज है और ज्यूस ग्रुप के लोग हमारे दुश्मन है। आई हेट ज्यूस। ये है चार्ल्स डार्विन और ये है हर्बर्ट स्पेंसर। इनकी सोच हिटलर की सोच जैसी है। मैं हर्बर्ट स्पेंसर, मैंने एक आइडिया दिया है। सब आइडिया दो लेकिन काम ना कोई मत करो। मजाक मत उड़ाओ यार। देखो इस आइडिया के अनुसार जो सबसे काबिल है ना वही जिंदा बचेगा, इसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस कहते हैं। लोल है। अच्छा छोड़ो, इसके अनुसार जो आदमी इस बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार खुद को नहीं ढाल सकता, उसे पृथ्वी पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे वर्ल्ड वार 2 होने वाला है ना, खाने की कमी होगी, रहने की जगह की कमी होगी, तो भाई जो शक्तिशाली नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, तो मरेगा ही अपने आप। इसलिए बोल रहा है जो काबिल रहेगा वही जिंदा रहेगा। पावर में आते ही हम नाजी प्योर जर्मन लोगों की कम्युनिटी बनाना चालू कर दिए। सबसे पहले हम उन कम्युनिटी के लोगों को मारना चालू कर दिए जो कि हमारे लिए हार्मफुल और डेंजरस है। इस हिसाब से ऐसे जर्मन लोगों को कोई भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, मतलब योग नहीं है, जिसे आप नाजी अशुद्ध या फिर असामान्य मानते हैं ना? हाँ, जो हमारे हिसाब से अशुद्ध है हम उन सबको मार देंगे, चाहे वो हमारे ही लोग क्यों ना रहे। सही सैनिकों मार दो सबको। पहचाने आप मुझको? मैं हूँ हेलमुट के पिता, जो कि नाजी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, और बहुत सारे लोगों को मैं ही मारा हूँ, इसलिए मुझे आत्महत्या करना पड़ा। वे लोग मुझे ना मार दें। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों को सबसे पहले उनका सिटीजनशिप नागरिकता छीन ले गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। और जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया में कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया तो वहां के लोगों को गधे जैसा काम करवाया गया, मतलब बहुत ज्यादा काम, वही भूखे। और वे लोग काम और भूखे रहने की वजह से ना मर जाते हैं यार।
हमारे नाजी जर्मनी में सबसे बुरा हाल तो ज्यूइश का है, क्योंकि ईसाइयों को लगता है कि ईसा मसीह जी को ये ज्यूइश ही तो मारे हैं। ये जूस को कोई भी जमीन का मालिक बनने का अधिकार नहीं दिए हैं। ये जूस बिजनेस और पैसा उधार देकर अपना गुजारा करते हैं यार, बाकी समाज से अलग एरिया में रहना पड़ता है इनको। ये तो मेरे हिसाब से खराब बात है। अच्छा ठीक है, इस चीज से बचने के लिए हमने एक रास्ता भी निकाला हूँ भाई। क्या है वो रास्ता? है धर्म परिवर्तन। बोले तो अपना धर्म बदल लो। अरे जो भी ज्यूइश हैं वो अपने धर्म को बदल लें और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, हम उन्हें छोड़ देंगे। याद है ना, जर्मनी ने पोलैंड को हराया था, तो जर्मनी ने पोलैंड को पूरी तरह से ना नष्ट कर दिया, यानी तोड़ दिया। नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी ने लूट लिया और अपने में मिला लिया। पोलैंड के लोगों को भी अपने घर सामान को छोड़कर वहाँ से मजबूरी में भगा दिया गया और भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ हमें जर्मनी के लोगों को बचाना है। जर्मनी के लोग रहेंगे वहाँ। इसके बाद पोलैंड वासियों को बहुत बुरी तरीके से जर्मन गवर्नमेंट नाम के इलाके में रखा जाने लगा, और पोलैंड के इंटेलिजेंट लोगों को हम मौत के घाट उतार दिए। मार दिए हम पूरे पोलैंड को गुलाम बनाना चाहते हैं। जनरल गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा गैस चैम्बर है, यहाँ ज्यूइश को डालकर जहरीली गैस छोड़ दिया जाता है, जिससे ज्यूइश ना मर जाते हैं। क्या यार, नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बहुत हो गया यार, मैं आगे नहीं पढ़ाने वाला। आदमी है, कोई इज्जत है कि नहीं है? जब से चैप्टर स्टार्ट किया हूँ इसको मार दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, कोई हीरो नहीं जो बचाता है? मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। अच्छा छोड़ो भाई, प्लीज बच्चों के एग्जाम में पढ़ा दो यार। अच्छा ठीक है कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। अभी वर्ल्ड वार टू स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से यंग एज वाले लड़के ही फ्यूचर हैं। मेरा मानना है कि एक पावरफुल नाजी सोसाइटी बनाने के लिए बच्चों को नाजी आइडिया का बारे में बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर दोनों स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए आर्मी लगा दिया हूँ। नाजिस्म के दौरान जो टीचर उनके भरोसेमंद नहीं है ना, उनके स्कूल से हटा के दिया जाता है और फिर बाद में ना मार दिया जाता है। जर्मन और ज्यूइश स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठ सकते हैं और ना ही खेल कूद सकते हैं एक साथ। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी क्या गलती है? हमें 2022 में जन्म लेना चाहिए यार, क्योंकि वहाँ मेक मी टैलेंटेड जैसा टीचर है ना, वो अच्छे पढ़ाते हैं। बाद में अशुद्ध और असामान्य बच्चों को, यानी ज्यूइश और जिप्सी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उस गैस चैम्बर में ना डालकर मार दिया जाता है। बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं यार ये लोग। अब सिर्फ हम अच्छे बच्चे बच गए हैं। हमारी सारी बुक्स को फिर से लिखा गया नाजी के आइडियोलॉजी को सही ठहराने के लिए। हमें जूस से नफरत करना सिखाया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि हिटलर की पूजा करो और जूस से नफरत। चाइना में भी यही सब होता है ना 2022 में? 10 साल की उम्र वाले बच्चों को युग फोक में डाला जाता है। यह युग फोक नाजी कंट्रोल करती है यार, और 14 साल के सभी उम्र के लड़कों को नाजी के यूथ कम्युनिटी में हिटलर यूथ की पार्टनरशिप लेनी ही पड़ती है। यदि नहीं लेंगे तो तुम ही नहीं रहोगे, या मैं नहीं, हिटलर कह रहा हूँ। और इस हिटलर यूथ में 1933 आते आते लगभग 12.5 लाख लोग ना भाग ले चुके थे, मतलब जुड़ चुके हैं। ये स्टूडेंट सुनो, मैन और वुमेन अलग अलग है, वे दोनों का अधिकार भी अलग अलग, वे कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तुम्हारा काम है नाजी की लोगों को आगे बढ़ाना, वार करना, और तुम अपने आप को ना मजबूत बनाओ। ये तो देख लिए कि मैन और वुमेन को बिल्कुल भी इक्वल राइट नहीं दिया जाता है, तो देखो ये वुमेन को क्या बोलते हैं ये लोग। ए वुमेन, तुम्हारा फर्ज एक अच्छी माँ बनना है और एक प्योर लड़के को जन्म देना है और उसको पाल पोस कर बड़ा करना है, ताकि वो नाजी के लोगों को ना आगे बढ़ा सके। मेरे स्टेट की सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन तो एक माँ है जो एक प्योर नाजी को जन्म देकर हमारा वंश आगे बढ़ा रही है।
आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि इतना अच्छा स्पीकर है ये हिटलर। तो दोस्तों, जो नाजी जर्मन मदर एक एबनॉर्मल बच्चों को जन्म देती है ना, यानी लंगड़ा या लूला बच्चों को जन्म देती है ना, तो उनको ना हिटलर बहुत पनिश करता है यार। तो और जो माँ एक प्योर नाजी बच्चा को जन्म देती है ना, अच्छा बच्चा को, तो उन्हें ना ये हिटलर इनाम देता है। हमें हॉस्पिटल में अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है, दुकानों में हमें डिस्काउंट भी मिलता है। और जो माँ चार बच्चों से ज्यादा जन्म देती है उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, छह बच्चों से ज्यादा जन्म देती है तो उसे सिल्वर मेडल दिया जाता है, और आठ बच्चों से ज्यादा जन्म देती है तो उसे गोल्डन मेडल दिया जाता है। यार ये कौन सा सिस्टम है, पॉपुलेशन बढ़ाओ। नाजी रूलर्स लैंग्वेज और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करते हैं और उसका जबरदस्त फायदा उठाते हैं। हम नाजी कभी भी हत्या और मौत जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब 100 लोगों के गैस चेंबर में डालकर मौत दे दी यह नहीं बोलते हैं। हम यह बोलते हैं कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, और जूस के लिए बोलते हैं कि उनको फाइनल सॉल्यूशन हो गया। नाजीज पब्लिक की सपोर्ट पाने के लिए मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। जहां तहां अपने दुश्मन का मजाक उड़ाने के लिए पोस्टर चिपका देता है, और ये लोग फिल्म भी रिलीज करते हैं। और इस फिल्म में हम जूस को नफरत फैलाने वाले कहते हैं, हम जूस को चूहा कीड़ा जैसे शब्द बोलते हैं, घुमा फिरा के हम जूस की खूब सारी बेइज्जती करते हैं ताकि वो शर्म से ही मर जाए। ये लोग नाजी लोगों को भरोसा दिलाएं कि उनकी सारी जो प्रॉब्लम है ना, उनका सॉल्यूशन सिर्फ ये नाजी ही कर सकते हैं। ए जर्मनी के नाजी कम्युनिटी के प्योर लोग, वैसे तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारा प्रॉब्लम हम ज्यूस को ही दे दिए। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आएगी ना फ्यूचर में, वो मैं सॉल्व करूंगा, यानी नाजी सॉल्व करेगी, इसलिए नाजी को सपोर्ट करें। फिल्म और नाजीस में पर कॉमन लोगों की क्या रिएक्शन आई देखिए। इतना धुआंधार और पावरफुल प्रचार ज्यूस के खिलाफ, हम फैन हो गए नाजीस के। फिल्म बहुत अच्छी थी, ज्यूस को पूरा घसीट घसीट कर बेइज्जती किया गया। ये दुनिया को नाजी की आई विजन से देखने लगे। किसी ज्यूस से लड़ाई हो जाने पर वे लोग अपने अंदर गुस्सा और नफरत पाल लेते थे। ये लोगों को विश्वास था कि सिर्फ नाजीस में ही इनकी तरक्की करवा सकते हैं। जो नाजी नहीं है वो तो नहीं है ना, मतलब हिटलर ने तो उन सबको टपका डाला। नहीं यार देखो, सच बात यह है कि बहुत सारे लोग ना हिटलर से डरते हैं, इसलिए आवाज नहीं उठाते हैं। यदि किसी के साथ अत्याचार होता है तो वे लोग सिर्फ देखकर अनदेखा कर देते हैं, उन सबको निकल जाते हैं डर से। नाजीस में जर्मनी में ज्यूस कैसा फील करते थे, इस पर सार्टल बैराट ने डायरी लिखी है, बाद में उसको पब्लिश करवाया, जिसका नाम राइक ऑफ ड्रीम्स है। लेकिन कहते हैं ना एक दिन झूठ का भांडा फूटता है और सच जीतता है। उसी तरह जब जर्मनी वर्ल्ड वार टू हार गया, तब दूसरे देश को जर्मनी का काला कारनामा के बारे में पता चल गया। हम ज्यूस चाहते हैं कि दुनिया हमारे ऊपर अत्याचार, पाप और कत्ले आम को याद रखें, क्योंकि हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। इसको हम होलोकास्ट भी कहते हैं। हिटलर वार खत्म होने के बाद सिर्फ आधा घंटा ही जीना चाहता था। लोगों ने डायरियां लिखी, नोटबुक्स लिखे, क्योंकि अत्याचार कुछ ज्यादा ही हुआ था। जब नाजी को लगा कि वो वर्ल्ड वार टू हार जाएंगे, तो सारे सबूत जो उन्हें मारे थे जूस उसको, उनको ना मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर आग लगाना चाहते हैं। ये हिटलर भी ना खुद भी मारा और इतना सारे लाखों लोगों को भी मारा, क्या है जरूरत था। लोग शांति से जिंदा रहता, शांति से खाता पीता और मरता। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लगा तो अगल बगल जो वीडियो है उसको भी देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते बोलते हालत खराब हो गया।